ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चों को अचानक ही गर्मी में लूज मोशन हो जाता है या दस्त चालू हो जाते हैं, बड़ों को भी हो जाता है, खान पान के कारण भी होता है, गर्मी की वजह से भी हो जाता है और बरसात में अक्सर वायरल और ये चलता रहता है। तो इसके लिए क्या करें, तो यदि दस्त के लिए मैं बताऊँगा, जो पतले ठट्टियाँ होने लगती हैं, तो अभी चार दिन पहले मेरा अनुभूत प्रयोग है, ये वही गुड़हल का फूल है जिसे मैंने पहले बताया था लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, तो दोबारा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो इसके अभी चार पाँच दिन पहले मेरा छोटा बेटा 12 साल का, तो उसको एकदम से रात को 9:30 बजे उसने बोला, पापा चार बार लेटरिंग हो चुकी है अभी शाम से। अब मैंने कहा अब क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं सोच रहा था क्या दूँ क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास, अनार के पत्ते, गुड़हल के पत्ते, अमरूद के पत्ते, इसमें से क्या दूँ क्या उचित रहेगा। फिर मैंने उस पर एनालिसिस किया कि उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा था, अगर मरोड़ हो रहा है तो कुछ और देना पड़ता, सिर्फ लूज मोशन थे। तो मैंने ये जो आप गुड़हल देख रहे हैं इसके हमने 5 पत्ते तोड़े, ये इस टाइप के छोटे बड़े 5 पत्ते लिए और पीस करके दे दिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मात्रा, 3 पत्ते में ही काम हो जाता है, मतलब 3 पत्ते बहुत है। तो 10 साल से नीचे तो 2 या 3 पत्ते, बड़ा है तो आप 4-5 दे सकते हैं, और बड़ा व्यक्ति है तो उसमें 5-6 दे, और अगर नहीं सही होता तो दोबारा फिर दे सकते हैं, लेकिन शुरू में ज़्यादा पत्ते नहीं देने हैं, अपने हिसाब से उम्र के हिसाब से दें। तो इसको पीस करके, सिलबट्टे में पीस करके, बारीक करके, खूब चटनी की तरह तो देना है, और इसमें कुछ मिलाना नहीं है, पीसना है और उसको हल्का पानी मिला के पीस करके उसको इकट्ठा कर करके उसको पिला देना है। तो इससे क्या है, लूज मोशन एक बार में ही सही हो गया और दोबारा उसको लूज मोशन हुआ नहीं, रात भर आराम से सोया और सुबह स्कूल भी गया। ये मेरा अनुभूत प्रयोग था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि सभी को पता चलना चाहिए और इसका प्रयोग कर सकें, क्योंकि थोड़ा सा भी लूज मोशन होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, वो लोग बोतल वगैरह चढ़ा देते हैं, अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, लेकिन घर में रात बिरात में कुछ हो जाता है तो आप ये प्रयोग कर सकते हो, और इससे नहीं सही होता तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, उनके पास ज़रूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।